एक्ट जो है प्रजातंत्र में जनता ही करती है। तो आज का दिन क्यों चुना? आज मुख्यमंत्री आ रहे थे ना, मुख्यमंत्री जी आ रहे थे इसलिए हमने आज कार्यक्रम करा था। अब मुख्यमंत्री नहीं आए तो मैंने उचित नहीं समझा कि इस कार्यक्रम को हम आगे सरकाएं। हमारा कार्यक्रम निर्धारित था, मुख्यमंत्री का भी निर्धारित था, मगर उन्होंने टाल दिया। या कोई उनके कारण रहेंगे जो वो बता सकते हैं। हम इसको कार्यक्रम को टालना नहीं चाहते थे इसलिए हमने कार्यक्रम पूर्व निर्धारित। विरोध मुख्यमंत्री का था, गृहमंत्री का था, गहलोत साहब का था? विरोध तो मेरे ख्याल से कोटा का कोई मंदबुद्धि का भी आदमी जानने लग गया अब तो, कि मैं खान की झोपड़िया को कोटा ज़िले में मिलाने की मांग कर रहा हूँ। और गृहमंत्री के रूप में भाया के पापों को गृहमंत्री ने संरक्षण दिया है और मुकदमों को डिले करा है खुद मुख्य गृहमंत्री जी ने, इसलिए हम गृहमंत्री जी का विरोध कर रहे हैं। मैंने घोषणा तो करी थी कि मैं मुर्दाबाद के नारे लगाऊँगा, मगर हमने नारे लगाना उचित नहीं समझा कि संदेश हम दे चुके हैं, इसलिए मुंह से बोलकर मुर्दाबाद हमारे मुख्यमंत्री का वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमने जिसको संरक्षण करने के लिए उन्होंने ये गलत काम करें उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के नारे लगाए हैं और वो वाजिब है और ये नारे पूरे प्रदेश में सब जगह लग रहे हैं इसके लिए। नहीं मानी जाती आपकी मांग तो आगे क्या करेंगे आप? क्योंकि अरे 3 साल से आप लगा आप क्या ये उम्मीद करते हो कि माथा कटा लूँगा? मैं बाल कटा लिए मैंने। जहाँ मेरे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत की तारीफ कर रहा हूँ, वहीं हमारे प्रदेश के गृह मंत्री की घोर निंदा करता हूँ। अगर वो इस्तीफा भी दे दें तो उसमें प्रदेश का हित होएगा। और उन्होंने जो है ये मेरे केस मैंने उनको समर्पित करें और भरत सिंह जहाँ तक जीवित है अब इसी तरह मेरे माता पे बाल नहीं मिलेंगे। मेरे माता ही मेरा प्रचार इनके खिलाफ इस बात को बोलेगा कि ये वह व्यक्ति है जिसने 17 नए जिले बना दिए मगर एक भ्रष्ट व्यक्ति को संरक्षण देने के लिए ये उस गांव को जोड़ नहीं सका। और जब मुख्यमंत्री संरक्षण देता है तो दूसरे नीचे के मंत्री तो वो डरपोक होते हैं, वो सांस नहीं कर सकते। यहाँ के प्रभारी मंत्री और मैं तो मुख्यमंत्री जी को बोलूँगा कि आप जब भी कोटा आए, और मीडिया वालों से भी आपसे बोल रहा हूँ कि खान की झोपड़िया को जाकर तो देखो तुम क्यों उसको रोक के बैठे हो। तो मुझे केस करेंगे वो कल आएंगे तो जाऊँगा एयरपोर्ट पे। मैं तो आज ही तैयार था जाने के लिए। मैंने बाल तो सुबह मेरे सुबह अगर 9:30 बजे मुख्यमंत्री जी आते तो मेरा प्रदर्शन का कार्यक्रम 3 बजे का अपनी जगह था। उनको आदर के साथ मैं एयरपोर्ट पर पहले भी आए तो मिलता रहा हूँ, तो आज आते तो मैं मिलने जाता। कल आएंगे तो वहाँ जाऊँगा और वह लिफाफा जिसमें मेरा पत्र है और मेरे केश है उनको भेंट करूँगा, और नहीं आएंगे तो भाई पोस्ट उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से उनके पास भेजूँगा। रावण का पुतला तो ये भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का पुतला है। 10 साल तक किसी खिड़की में इस पुतले को मैंने सजारा का कुछ लगाव भी हो गया इस पुतले से, क्योंकि इन्होंने अनेक प्रदर्शन में हमारा इस पुतले का हमने उपयोग करा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़े बड़े प्रदर्शन करें, मगर इसका आज दहन दशहरा भी नज़दीकी है तो ये कोटा का पहला रावण का दशहरे के पहले रावण का दहन है। बहुत पुराना अनुभवी रावण है और इससे बेहतर अवसर मैं समझता हूँ इस रावण को नष्ट करने का हो नहीं सकता। काला कपड़ा पहन के जाएंगे सीएम से? नहीं, काला कपड़ा नहीं पहनूंगा। काला तो आज इसके लिए है, काला कपड़े से कुछ नहीं होता है मगर जो काले दिल रखते हैं ना उससे समाज को तकलीफ है, कपड़े उपड़े से कुछ नहीं होता। ये चंबल रिवर फ्रंट को जो एनजीटी की बात सामने आई है कि भाई मेरे को उसकी जानकारी नहीं है, पर मेरा मान्यता यह है कि हम इस देश में उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट की धज्जियाँ उड़ने लगी है और अनेक प्रकरण इस प्रकार से प्रदेश में होंगे, कम से कम हाई कोर्ट कहते हो जिसकी धज्जियाँ शासन में भारतीय जनता पार्टी रहे या कांग्रेस रहे उन पर अमल नहीं करती, क्योंकि अमल इसलिए नहीं करती कि जहाँ भीड़ इकट्ठे हो जाती है तो वहाँ पर अमल शासन में दम ही नहीं है। अब तो भीड़ को देखकर प्रशासन और राज करने वाली पार्टियाँ चलने लगी। एंट्री जो है चम्बल रिवर फ्रंट की जो एंट्री है वहाँ पर घड़ियाल बनाया गया है। क्या चीज़? घड़ियाल का स्टेचू बनाया गया है। हाँ, जो एंट्री पॉइंट है
मैंने अखबारों में देखा है, मैं तो गया नहीं और मैं अभी बहुत जल्दबाजी में जाऊंगा भी नहीं, आराम से फुर्सत में ये जो जो भी बनाया है, मगर बहुत जैसा बताया कि बहुत भव्य है, जैसा भी है तो उसको जो अनेक लोगों का देखना, सबका नज़रिया अलग अलग होता है, किसी को कोई फिल्म बहुत पसंद आती है, किसी को तो अच्छी फिल्म जिसको आपका राष्ट्रपति अवार्ड मिल जाए वो दो दिन में ही सिनेमा पलट जाता है, तो जनता क्या देखना चाहती है उसके हिसाब से फिल्म बनती है, तड़क भड़क नाच गाने लाइट वाइट बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी इस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा जो बनाया, क्योंकि मैंने देखा भी नहीं है, मगर बड़ी राशि खर्च हुई है और इसका आखिरी कसौटी तो जनता ही है, वो क्या देखती है। मैं हवाई अड्डे पर जाऊँगा, कल मेरा प्रोग्राम है मेरे क्षेत्र के अंदर, आज मैंने कोई प्रोग्राम नहीं रखा, कल मैं सुबह अगर मुख्यमंत्री जी आएंगे तो मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ उनसे मेरा पत्र और ये उनको दूँगा, अगर वो मिले तो, और नहीं तो डाक से तो निश्चित रूप से भेजूँगा। आपने शर्त केस मुनाए, क्या कारण है इसका? ये एक विरोध प्रदर्शन है गृह मंत्री राजस्थान के खिलाफ, क्योंकि कुछ ऐसे प्रकरण हैं जिसका सीधा संबंध मुझसे रखता है और जिसके बारे में मैं लगातार बहुत समय से गृह मंत्री जी के की जानकारी में पत्र लिखकर ये बातें उठाता रहा हूँ कि गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने भाया जी को संरक्षण दिया और उन SC ST का एक प्रकरण जो हमारे मेरी विधानसभा से संबंधित है, कांग्रेस के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष के आप से गुजरी हुई घटना है कि उस फाइल को जांच में सहयोग करने की जगह गृह मंत्री जी ने लगातार उस प्रकरण में विलंब पैदा करने के लिए बाधा उत्पन्न करी और अभी उस फाइल को CID CB में डाल दिया ताकि वो हो ही नहीं। ऐसे एक एंटी करप्शन में इसी भाया जी से संबंधित फाइल थी 12 जिले की नगर पालिका की, उसको भी कोटा से 2 साल पहले सवाई माधोपुर भिजवाई और मैंने विधानसभा में भी प्रश्न लगाया तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर कोटा में केस ज़्यादा है, सवाई माधोपुर में जल्दी निस्तारण हो जाएगा, मगर वो गलत है, वो फाइल सवाई माधोपुर में आज भी रोक रखी है और गृह मंत्री जी के इशारे पे है। तो जब खेत को खेत की बाढ़ खाए तो उसका विरोध करा है और मैंने गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, आज ही लिखा और सार्वजनिक करा उसको कि आप गांधीवादी बात कर रहे हैं, गांधी जी तो सत्य की बात कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि गृह मंत्री के रूप में आपका ईमान मर चुका है और जब कोई मर जाता है तो उसको हमारे केश अगर आपसे नज़दीक है तो अशोक गहलोत जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं आज भी, मगर जो गलत है और जो सरासर वो जिंदी मक्खी निगल रहे हैं गृह मंत्री जी के रूप में, उसका मैं विरोध करता हूँ। मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत जी ने बेहतरीन काम किया है, बहुत अच्छी योजना राजस्थान को जनता को दी है और उसके बलबूते पर मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस को शासन में आना चाहिए। और रही भारतीय जनता पार्टी, उनकी यात्राएं ये सब खोखली हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ कोटा में तो मैं देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो मुद्दे मैं उठा रहा हूँ वो बोलते नहीं हैं। यहाँ विडम्बना ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिन बातों पर बोलना भारतीय जनता पार्टी को चाहिए वो नहीं बोलती और जिन मुद्दे पर कांग्रेस को बोलना चाहिए वो नहीं बोलते, तो पिसती जनता है। जब जनता को दोनों तरफ से शोषण हुए तो ये दुखद है और मैं क्योंकि एक जनप्रतिनिधि हूँ, 50 साल से मैं लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ,